जी हाँ दोस्तों, जियो के 4G फीचर फ़ोन 1500 रुपये वाले फ़ोन को टक्कर देने के लिए यहाँ पर एयरटेल ने हाथ मिला लिया है कार्बन मोबाइल के साथ और लेकर आया है 1399 रुपये में 4G स्मार्टफोन। लेकिन ये जो 1399 रुपये में ये मोबाइल आपको मिल रहा है, ये इफ़ेक्टिवली मिल रहा है। तो किस तरीके से, ये चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है वो मोबाइल कार्बन का जो आपको मिल जाएगा 1399 रुपये में इफ़ेक्टिवली। तो इसमें आपको जो है रिचार्ज करवाना पड़ेगा एयरटेल के साथ 169 रुपये के पर मंथ वाले रिचार्ज प्लान के साथ। जैसा कि जियो के लिए 153 रुपये का रिचार्ज प्लान आया था, यहाँ पर एयरटेल ने रिचार्ज प्लान रखा है 169 रुपये का। और इसमें आपको जो है 500 MB डाटा मिलेगा 4G डाटा पर डे के हिसाब से और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। तो आपको देखिए ये मोबाइल ख़रीदना है 2899 रुपये में। अभी 2899 रुपये देकर ये मोबाइल आप ख़रीदेंगे तो 1500 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा। वो किस तरीके से मिलेगा मैं आगे आपको बताऊंगा। इस तरह आपको जो है 1399 रुपये में ये मोबाइल इफ़ेक्टिवली पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए ये बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको कार्बन A40 यही स्मार्टफोन मॉडल आपको ख़रीदना है। तो कार्बन A40 आप ख़रीदेंगे 2899 रुपये देकर। उसके बाद आपको जो है रिचार्ज करवाना है, एयरटेल का रिचार्ज करवाना है। 3000 रुपये का रिचार्ज आप 18 महीने में करवा लेंगे। 169 रुपये, 169 रुपये, 169 रुपये, इस तरीके से हर महीने 169 रुपये का रिचार्ज करवाते जाएंगे तो आपका 18 महीने में होता है 3000 रुपये। तो जब आप 18 महीने ये रिचार्ज करवा लेंगे तो आपको मिलेगा 500 रुपये कैशबैक। उसके बाद आपको फिर से अगले 18 महीने के लिए हर महीने 169 रुपये का एयरटेल का 4G रिचार्ज करवाना है, जिसमें आपको फिर से 3000 रुपये बन जाते हैं 18 महीने तक, तो आपको मिल जाएंगे 1000 रुपये कैशबैक। तो इस तरीके से 500 और 1000 रुपये यानी कि कुल मिला के 1500 रुपये कैशबैक आपको मिल जाएंगे। और ये कैशबैक आपको अपने बैंक अकाउंट में नहीं मिलेंगे, एयरटेल मनी वाले अकाउंट में मिलेंगे। तो आपने 2899 रुपये देकर जो है मोबाइल ख़रीदा कार्बन का A40 स्मार्टफोन और आपने रिचार्ज करवाया 18 महीने यानी कि 36 महीने तक 6000 रुपये का रिचार्ज करवाया तो आपको मिला 1500 रुपये कैशबैक। तो आपका जो है मोबाइल हो गया 1399 रुपये में आपको मोबाइल मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे मोबाइल की डिटेल्स दी है तो आप व्यू डिटेल में जाएंगे तो ये ले जाएगा carbonmobiles.com में। तो यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल की सारी स्पेसिफिकेशन बता दी गई है। तो ये है वो मोबाइल कार्बन A40। यहाँ पर आपको 800x480 का रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाएगा, 10.16 सेंटीमीटर का यानी कि 4 इंच का आपको WVGA डिस्प्ले मिल जाएगा इस मोबाइल में आपको। और प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा 1 GB रैम के साथ 8 GB रोम के साथ। और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर 4G सपोर्ट मिलेगा, 1400 mAh का लाई आयन बैटरी मिलेगा, 32 GB का एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं यानी कि 32 GB का मेमोरी कार्ड आप अलग से लगा सकते हैं चाहें तो। डुअल सिम सपोर्ट है, जियो का 4G फ़ोन की तरह जो है आप वहाँ पर केवल एक सिम लगाना अनिवार्य नहीं है, आप यहाँ पर 2 सिम लगा सकते हैं लेकिन एक एयरटेल 4G का सिम लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड मिल रहा है नोगट 7.0 का। जियो का जो फ़ोन है आपको पता होगा कि वो जो है KaiOS पे काम करता है, वो एंड्रॉयड नहीं है, लेकिन ये मोबाइल जो है आपको एंड्रॉयड मिल रहा है नोगट 7.0 के साथ। तो आपको यहाँ पर बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी, कैमरा वगैरह आपको जो है रियर कैमरा 2 MP का मिल जाएगा और भी बाकी सारी चीज़ें इस मोबाइल में हैं जो आप इस साइट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये कि आपको जियो फ़ोन की तरह इसे जो है वापस रिटर्न करके पैसे इसे नहीं मिलने हैं, आपको ये फ़ोन आपको रिटर्न नहीं करना है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर एक हिसाब किताब रखनी पड़ेगी एक डायरी में भैया कि आपने किस महीने रिचार्ज करवाया कि नहीं करवाया, क्योंकि आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है रिचार्ज करवाते रहना है 36 महीने तक, हर महीने 169 के रिचार्ज करवाते रहेंगे तब जाकर आपको 1500 रुपये का कैशबैक का ऑफ़र यहाँ पर मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अगर 169 रुपये में जो 500 MB का 4G डाटा पर डे के लिमिट के हिसाब से मिल रहा है तो आपको लगता है कि कम है तो आप उससे ज़्यादा का भी रिचार्ज करवा सकते हैं।
तो यही था दोस्तों आपको बताने के लिए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।